अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक अब्दुल्ला व्लॉग। तो दोस्तों आज ईद का दिन है, अभी ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। अब्दुल वहाब को भी साथ लेते हैं, फिर ईद की नमाज़ पढ़ के आके आपसे मिलते हैं आज। तो दोस्तों अभी अब्दुल वहाब आ गए, हम बल्कि हम दोनों ईद की नमाज इकट्ठे पढ़ने गए थे, वो आ गए, मैं भी घर आ गया, हम दोनों आ गए हैं। ये अब्दुल वहाब आ गए ईद में। आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमने मुर्गियां पाली हुई हैं, अभी ईद की नमाज़ पढ़ के आए हैं, पर अभी इनके लिए कोई दाना वगैरह डालते हैं, इनको खिलाते हैं दाना वगैरह। आप देखें ये तो पानी तो मैंने डाल दिया था इनको, अभी इनको दाना वगैरह डालना है, वो मैं देखता हूँ डालता हूँ। अभी दाना वगैरह डाल के मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी मैं इनको चोकर डालने लगा हूँ। अभी चोकर को यहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, पहले दरवाज़ा खोल लें वरना इन्होंने भाग जाना, ये बहुत तेज है। अभी बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, ये इनको दाना डालते हैं आराम से आराम से। सारे मिलके खाओ, सारे मिलके खाओ, ये बहुत ही शौक से खाते हैं चोकर। इनको हम दिन में दो टाइम डालते हैं चोकर, बाकी सुबह बाजरा डाल देते हैं, कुछ चावल डाल देते हैं उबले हुए, रोटी डाल देते हैं, रोटी लेकिन ये खाते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों अभी हम घर आए हैं, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, कॉटन का सूट पहना हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा कि सूट चेंज वगैरह कर लेते हैं फिर वो लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ईद का दिन है, काम भी बहुत ज़्यादा है, घर वाले ने काम भी बहुत ज़िम्मे लगाए हुए हैं, तो अभी काम करवा के फारिग हुए हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग बना लें, आपको बता दें अगर हम कहीं गए तो घूमने शूमने, तो फिर मैं आपके लिए व्लॉग बना लूँगा, तो आपको दिखा देंगे व्लॉग। अगर ना गए तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखा देंगे, जाएँगे तो ज़रूर कहीं कज़न वगैरह के घर जाएँगे या कहीं भी जाए, पार्क पूर्क जहाँ भी जाएँगे आपके लिए व्लॉग ज़रूर बनाएँगे हम। तो अब्दुल वहाब आके सो गया, वो थक गया था काफ़ी, मुनीब भी आया था वो भी अपने घर चला गया, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा वो लोग बना लें आपको बता देंगे। 2000 years later रूट वाला लुम्बर भी देखो, तुर्किस्तान वाला हीरा बन तोता, ये नवे नवे जानवर, नवी नवी चीजा, ये गैर मुल्की जानवर आए ने जनाब, ये गैर मुल्की जानवर आए ने, नवे नवे जानवर आए ने, नवी नवी चीजा आई ने, ये बड़े सोहने सोहने जानवर ने, बड़े प्यारे प्यारे जानवर ने, जिंदगी च पहली बार वेखोगे दोस्तों, गैर मुल्की जानवर आए ने इस कंपनी के अंदर,
ईरान, तुर्किस्तान, जापान, चीन, रूस, बर्तानिया, आसाम, बंबई, जर्मन, सऊदी अरब, हर रंग का, हर मुल्क का जानवर जीवदा जागदा देखो इस कंपनी के अंदर। सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, दुनिया देख रही ये छोटी छोटी पेटियां के अंदर छोटे छोटे जानवर ने, ये बड़े बड़े पेटियों के अंदर बड़े बड़े जानवर ने, ये शेर के नाल चिंगड़ा है इसके अंदर बड़ा सप आया, बड़ा सप, बड़ा सहारा, ये बड़ा सप आया ईरान के पहाड़ों में रहने वाला, ईरान के पहाड़ों में रहने वाला बड़ा सप, जिन्हों चार चौकियों में बीना बजा बजा के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।